हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडी मन्नत। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर सेव की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और साथ ही झटपट बन भी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैन को गरम कर लेते हैं। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी गरम होते ही इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई डाल लेते हैं। जीरा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें चुटकी भर या 1/4 टेबल स्पून हींग और कटी हरी मिर्च ऐड करते हैं। हरी मिर्च को भुनने के बाद अब ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। अब इसमें ऐड करते हैं रफली कटे हुए टोमेटो के पीसेस और साथ ही 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट ढक के पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसमें टोमेटो प्योरे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट ढककर पकने देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुनकर रेडी है। अब इसमें 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट ढक कर पकने देते हैं। हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। अब 1 कप पानी ऐड करेंगे और एक उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आ चुका है। अब हम इसमें सेव ऐड करेंगे। सेव आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो आप हमारी रेसिपी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे 2 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी टमाटर सेव की सब्जी बनकर रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इसे हम रोटी, चपाती, पूरी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।